नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। 70 और 80 के दशक की गेम चेंजर बात हो रही है लूना की। लूना इज बैक इन एन ऑल इलेक्ट्रिक अवतार और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं काइनेटिक एनर्जी की सीईओ मिस फरोडिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। प्रोडक्ट देख के उत्सुकता मार्केट में बढ़ रही है, प्राइस पॉइंट को लेके हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन व्हाट वाज द रियल रीज़न, क्यों लूना बैच को फिर मार्केट में लेके आने की रीज़न क्या है? मुझे लगता है कि लूना जब आई थी 1970s में, तो उसने एक रिवोल्यूशन लाया था कि जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी और जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, उनको लूना ने एक अपना वो मौका दिया, वो अवसर दिया कि उनको अपनी गाड़ी मिले एक बहुत ही अफोर्डेबल वे में, बहुत ही सिंपल उसको मॉडल प्रोडक्ट को बना गया कि हर कोई चला सके, हर कोई उसको खरीद सके, मेंटेनेंस उसका आसान था। ई लूना अभी आई है और मुझे लगता है कि वो उसकी अभी बहुत भारत को ज़रूरत है। जब अभी इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया है क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, पोल्यूशन बहुत सारा हो गया है, लेकिन और लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, लेकिन जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है मार्केट में वो बहुत महंगी है। समझिए बड़े शहरों के लिए बनी है, बहुत सारा उस पर सॉफ्टवेयर है, प्लास्टिक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो ई लूना इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है। तो ई मोबिलिटी सबके लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए एक्सेसिबल हो, प्रैक्टिकल हो और फिर से एक रिवोल्यूशन ले आए कि मैंने कि 2,000-2,500 रुपये में आदमी अपनी खुद की गाड़ी खरीद सके, क्योंकि इसमें पेट्रोल की कीमत है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे वक्त पे लूना आई है, ई लूना बन के एक ही अवतार में। मैम जब ई लूना की बात हो रही है, मतलब पुरानी लूना भी एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो भारत को पैरों से दो पहियों की जर्नी में बहुत हेल्प किया उस प्रोडक्ट ने, लेकिन अब मार्केट बिल्कुल बदल चुका है। ऑलरेडी लास्ट 3-4 सालों में देखा है प्रोडक्ट्स अग्रसर हो रही हैं क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, तो किस टाइप के मार्केट को आप कैटेगरिकली फोकस करना चाहेंगी ई लूना के साथ? तो ई लूना जैसे आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है, ये 100% मेड इन इंडिया है, डिज़ाइन एट काइनेटिक एंड मेड फुल्ली इन इंडिया, इसमें एक भी इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट नहीं है। इसको हमने डिज़ाइन किया कि स्टाइलिश भी हो, स्टर्डी भी हो और स्मार्ट भी हो, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें इसकी जो चैसी है ड्यूअल ट्यूबुलर हाई स्ट्रेंथ स्टील चैसी, तो इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन बहुत स्टाइलिश भी है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे एक डिजिटल मीटर है उसके अंदर जो एकदम स्मार्ट है, अंडर सीट बैटरी है जो एडवांस लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन स्मार्ट स्टाइलिश और स्टडी व्हीकल बन गई है। तो मेरे ख्याल से ये कस्टमर्स को पसंद आएगी क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग भी है लेकिन मॉडर्न भी है, तो जो भी इसको चलाएगा उसको एक अच्छा फीलिंग आएगा। ये एक पर्सनल व्हीकल भी है और एक बिजनेस पार्टनर भी है, बहुत वर्सेटाइल है, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, आप इसके ऊपर सामान भी ले जा सकते हो, चलता फिरता दुकान भी बन सकता है। मैम किस टाइप के आप प्रोडक्शन या फिर किस टाइप के आप डीलरशिप नेटवर्क में घुसना चाहते हैं? बिकॉज एक मास मार्केट प्रोडक्ट लूना फिर अपने एक नए इलेक्ट्रिक रूप में आई है, तो एक्सपेंशन कैसा रहेगा, कब प्रोडक्ट मिलनी शुरू होगी कस्टमर्स को जो अपने डे टू डे पर्पज़ लिए खरीदना चाहते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि लूना कस्टमर्स के पास हम ले जाए, जो शहरों में है, छोटे गांव में है, रूरल एरियाज में है, तो हमारा एक बहुत अच्छा नेटवर्क ज़्यादा बड़ा बनाने का हमारा प्रयास है। आज हमारे 300 डीलर्स हैं इंडिया में, इसको हम बढ़ा के अगले 3 सालों में 1,000 डीलर तक ले जाएंगे और वो डीलरशिप्स रहेंगी समझिए डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में, लेकिन जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ पर हम एक लूना शॉपिंग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। तो एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर वो जो उस इलाका का या उस शहर छोटे गांव का एक छोटा एंटरप्रेन्योर है जो ई लूना का एक छोटा डीलर बने और अपने शहर में अपने गांव में ई लूना की सेल सर्विस दे, तो हम ये ई लूना शॉपर्स का भी नेटवर्क बनाएंगे जिससे वो लोगों के पास पहुंच सके, उसका मैसेज भी लोगों तक पहुँच सके। मैम कुछ बेसिक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ये खरीदना चाहता है तो कुछ पैमाने देखते हैं कि फाइनेंसिंग ऑप्शंस कैसे रहेंगे, वारंटी पैक कैसा रहेगा और कब मिलनी शुरू होगी ई लूना? तो ई लूना आपको बहुत जल्द यानी अगले 2 हफ्ते से ही उसकी डिलीवरीज रैम्प अप होगी। ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है, हमने 3,000 व्हीकल्स महाराष्ट्र में और दुबई में डिप्लॉय कर दी है, लेकिन अभी जब रिस्पॉन्स इतना अच्छे से आ रहा है तो हम प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे और विद इन 2 वीक्स डिलीवरीज विल स्टार्ट। वारंटी ई लूना में 5 साल की एक्सटेंड वारंटी आपको मिलेगी, 3 साल कंपनी की साइलेंट वारंटी और आगे के 2 साल आप उसको एक्सटेंडेड पैकेज भी खरीद सकते हो, तो 5 साल के लिए आपकी व्हीकल
और सारे ही उसके एग्रीगेट्स बैटरी कंट्रोलर मोटर आपको वारंटी में मिल सकते हैं। मैम लास्टली आई वुड लव टू नो व्हाट्स योर ओपिनियन, क्योंकि हमने देखा है मार्केट जो है अभी थोड़ा प्रीमियम की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, जितने भी स्कूटर्स आ रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं, बट यू हैव अ लेगेसी, चाहे काइनेटिक होंडा की बात करें या लूना 70 के दशक की बात करें, आप एक लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल मार्केट कैसे डेवलप करेगा फॉर द टू व्हीलर्स स्पेशली इलेक्ट्रिक्स? आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लग्जरी बन चुकी है, बहुत ही कम लोग उसको खरीद पा रहे हैं, एक निश बन गया है। बैंगलोर सिटी में चला रहे लोग, महंगी गाड़ी है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन लाना है, पोल्यूशन कम करना है, और 5% से अगर आपको 50% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर करनी है, तो आपको लूना जैसा प्रोडक्ट इसमें बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मैसेज को, उसके बेनिफिट्स को लोगों तक ले जाएगा। ये इट विल मेक ई मोबिलिटी एक्सेसिबल एंड प्रैक्टिकल फॉर ऑल। सो दिस इज द विजन ऑफ। थैंक यू सो मच मैम, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कनेक्ट विद यू, एंड वी होप द बेस्ट फॉर ई लूना।